TV shows, blockbuster movies and originals. Download the app now. तुम्हारी साड़ी जी पम्मी कपूर के साथ मिली हुई है। पासपोर्ट पे फोटो ठीक कराने वाली बात किस किस को पता थी? तुम्हें, मुझे और इस बुढ़ी को। फोटो ठीक कराने के बजाय चेंज ना तुम करोगे ना मैं करूंगी। बचा कौन? ये बुढ़ी। से बात कर रहे थे। जो थोड़ी बहुत कसर रह गई थी वो भी पूरी करने आए कि हमारी बच्ची जिंदा भी ना रहे। हमने तो मीरा आपको 7 जन्मों के लिए दी थी, पर आपने तो उसका हाथ बीच रस्ते पे ही छोड़ दिया। I'm sorry, मीरा। अरे जा रही हूँ, हो सकता है कुछ सुराग ही हाथ लग जाए पम्मी जी के बारे में। गाड़ी भी गई और गाड़ी के साथ साथ साड़ी जी भी गई। ने इतना कैसे कर सकता है मीरा? मेरी जान बचाने के लिए तुमने इतना सब कुछ किया। मत करो इतनी परवाह मेरी। मीरा अभी चले यहाँ से, तुम्हारा कोई इंतजार कर रहा है। रुको मीरा, पहले तुम मुझे एक बात बताओ, तुमने मेरी जान क्यों बचाई? मीरा मैंने तुम्हारी जान नहीं बचाई, तुम्हारी माँ ने तुम्हारी जान बचाई है। आज आप मेरी लाइफ में थोड़े टाइम पहले वापस आ गई होती। सुन रही है ना मैं क्या कह रहा हूँ? वैसे मैं कैसी लग रही हूँ? बोलो क्या बोलने वाले थे? ये साइन कर दो। पासपोर्ट के पेपर है ना, बाद में साइन कर दूंगी। ये पासपोर्ट के पेपर्स नहीं है। तो फिर डिवोर्स पेपर्स। जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहां हूं। आपको पता, आपके जाने के बाद ना मैं बिल्कुल हार्टलेस हो गया था। एक काम आया ही थी जिसकी वजह से जी रहा था, जिससे इमोशनली कनेक्ट कर सकता था, बट आपके वापस आने के बाद ऐसा लगता है जैसे मुझे मेरा बचपन वापस मिल गया। सीरियसली आई एम सो हैप्पी। बीते हुए सारे साल तो मैं वापस नहीं ला सकती, लेकिन ऐसा कोई दिन नहीं है जब मैंने तुम दोनों को याद ना किया हो। थैंक यू मॉम। इस थैंक यू की असली हकदार मैं नहीं, मीरा है। बेटा तो उसका जितना थैंक यू करे ना उतना कम है, जो उसने हमारे लिए, जो उसने तुम्हारे लिए किया है। I mean, एक अजीब सी कशिश है उस लड़की में, जैसे रब का रूप हो वो लड़की। आप बिल्कुल सही कह रहे हो मां। मीरा भाभी हैज सम मैजिक इन हर। अरे ये क्या, सारा प्यार भाई के लिए, मेरे लिए कुछ भी नहीं। नहीं बेटा, एक बार इसकी शादी हो जाए ना, फिर मेरा सारा वक्त तेरे लिए ही है। मीरा छोड़ो, मीरा क्या कर रही हो? कोई कुछ नहीं पूछेगा क्योंकि कोई जवाब नहीं मिलेगा। फैसला हो चुका है। क्या हो गया पुत्र, क्या फैसला हो गया? मीरा और विवान ने तलाक के पेपरों पे साइन कर दिए। तू? ये क्या गंद फैला के रखा है तुम लोगों ने? अरे
कल तक तो शादी की बात चल रही थी और आज तलाक। बेटी है हमारी ये, कोई गुड़िया नहीं। भाभी मैंने कहा था ना, ये हमारी बेटी को ना नुकुर कर रहा है, ये हमारी बेटी के लायक ही नहीं है। कभी अच्छे कभी उठे, और ये एक पास से दिमाग ही नहीं सेट होता। अब पता चला मेरा मुंह क्यों इतना और उतरा हुआ था। अरे इन लोगों के आसपास रहेंगे तो मुंह क्या पूरा दिल चढ़ जाता है। बस चाची कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी भी चीज का कोई फायदा नहीं है। सच्चाई यही है कि अब तलाक हो चुका है। विवान पुत्र ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं मम्मी, अब ये इंसान मेरा कुछ नहीं रखता, इसलिए आपको जो सवाल पूछने जो जवाब चाहिए आप मुझसे पूछो, इससे नहीं। इसको बड़ा शौक है ना अनाउंसमेंट करने का, तो एक अनाउंसमेंट मैंने भी कर दी। अब बिल्कुल चिंता मत करो, मैं करूंगी काम, मैं चला लूंगी रेडी। बिजनेस की प्लानिंग बाद में करना आप लोग, पहले एक नया घर ढूंढने की प्लानिंग कीजिए। जल्द से जल्द अपना सामान बांधिए और यहाँ से जाइए। आप लोग के पास एक घंटा है। मेरे होते हुए तुम कहीं नहीं जाओगी। आलिया यहाँ सबके सामने मैं तुम्हें कुछ कह दूंगी तो तुम्हें ही बुरा लगेगा। मेरे मना करने के बावजूद भी तुम्हारे यहाँ पर आने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी ये बातें मुझे उनसे मिलने से नहीं रोक सकती। स्टॉप इट। सिक्योरिटी, इस औरत से मेरे भाई को खतरा है, इसे यहाँ से। सर क्या बात करने गए थे प्रिंसिपल मैडम के पास, और बात होने से पहले ही एक्सीडेंट था या कोई प्लान मर्डर तो पता लगाना है। लेकिन अगर ये प्लान था ना, तो इसका क्या मोटिव हो सकता है? मकसद जो भी, अगर वो पता चल जाएगा तो बात पता चल जाएगी। डैड के फोन की रिंगटोन। डॉक्टर को लेकर आई हूँ तुम्हारी ड्रेसिंग के लिए। लेकिन इसकी क्या जरूरत है, मैं कर देता ड्रेसिंग, और कल ही तो ड्रेसिंग की थी। देखिए जलने का खा, इसकी ड्रेसिंग रोज करनी पड़ेगी, नहीं तो इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है। तो ये हमारा सच पकड़ा ना जाए। मुझे भी बहुत डर लग रहा है, क्या करेंगे? रिचर्ड यहाँ कोई खतरा है, रिचर्ड मेरी बात सुनो। मेरे पास आने की कोशिश मत करना, वरना मैं खुद को मार दूंगी। रिचर्ड प्लीज मेरी बात। आपके आ जाने से मैं इस हफ्ते मोहब्बत के सावन में वेदिका करेगी कुबूल साहिल के प्यार को। ए अमीर जाती, ये सच है या फिर सपना देख रहे हैं आप? हमारे होते हुए सपना ही होगा, जाग जाओ। उम्र की सीमाओं को लांघती साधिका की प्रेम कहानी का नया अध्याय देखिए रात 10:30। अगली बार हार हुई है तो क्या हुआ, अगली बार जीत तुम्हारी जरूर होगी। वरुण तुमसे ही शादी करेगा, हम है ना तुम्हारे साथ। महेश वरी जी के साथ मिलते क्या खिचड़ी पका रही हो तुम? थाने ने सब सुन लिया है, सब पता है मुझे।